मोमोज के लिए यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज है, लेकिन कोई भी आपको फ्रोजन मोमो इंस्टेंट तरीके से कैसे फ्राई करते वो नहीं बताएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और मिडिल क्लास एनिमे में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे कुरकुरे मोमोज। तो यहाँ पर फ्रायर को मैं अच्छे से प्रीहीट करके मोमोज की तैयारी करना चालू कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में हम लोग डालने वाले हैं चावल का आटा। कॉर्नफ्लावर के साथ चावल का आटा जब मिला देते हो ना, तो मोमोज के ऊपर एक अलग सी कोटिंग तैयार हो जाती है। तो आपको चाहिए तो आप चावल का आटा डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। चावल के बाद यहाँ पर मैं ऊपर से नमक डालने वाला हूँ। नमक के बाद डालने वाला हूँ चाट मसाला। चाट मसाले के बाद यहाँ पर ऊपर से मैं कश्मीरी लाल तीखा पाउडर डालने वाला हूँ। इससे हमारा कलर भी आ जाएगा और एक हल्का सा तीखापन आ जाएगा। तो इस सारे मिश्रण को मैं अच्छे से मिला के लेता हूँ विस्कर की मदद से। तो हम लोग पानी एक साथ नहीं ऐड करेंगे, हम लोग को पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। ये हमारे मोमोज के ऊपर की कोटिंग होगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मैं मोमोज फ्रोजन इस्तेमाल करने वाला हूँ। कुरकुरे मोमो बनाने के लिए ऊपर जो कोटिंग आती है ना, जिसके ऊपर आप कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड क्रम लगा के अच्छे से फ्राई कर सकते, उसकी लेयरिंग बना रहा। तो यहाँ पर एक कोट जरा ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया, इसमें मैं कश्मीरी देगी मिर्च और पानी डाल के अच्छे से मिक्स करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई, एकदम थिक भी नहीं और एकदम पतला भी नहीं। आपका विस्कर से लेयर नीचे तक छूटनी चाहिए, ऐसी आपको कोटिंग बना के लेनी। कोटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सर में अच्छे से पीस लिया। दोस्तों कॉर्नफ्लेक्स अच्छे से पीस के लेना, अगर आप हाथ से क्रश करोगे ना तो क्रश बड़े बड़े हो जाएंगे और आप जब ऑयल में डालोगे ना, ऑयल से आपके मोमोज से वो अलग हो जाएंगे, तो आपको कुरकुरे मोमो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक डब्बे के अंदर मोमोज डाल के अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स उसमें चिपका के ले रहा हूँ। इससे क्या होगा, हमारे कुरकुरे मोमोज एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे और खाने में भी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मेरे को 8 मोमोज का ऑर्डर है, तो पूरे 8 मोमोज में कुरकुरे करके लेने वाला। मोमोज एक साथ डालते हो ध्यान रखना, एकदम ज़्यादा मोमोज में नहीं डालना, नहीं तो आपके जो कॉर्नफ्लेक्स है ना वो चिपक नहीं पाएगा और जहाँ जहाँ जगह छूटेगा वहाँ पर कुरकुरा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक साथ बस सब मोमो मत डालना, अलग अलग मोमो डालना, भले टाइम लगे लेकिन अच्छा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे 8 पीस पूरे हो गए, तो मैं अभी जाने वाला फ्रायर में। फ्रायर भी हमारा अच्छे से प्रीहीट हो गया। यहाँ पर ऊपर के तरफ देख सकते हो हमारे ग्रीन लाइट चालू हो गया, मतलब हमारा फ्रायर प्रीहीट हो गया। तो अभी इस आटो के आटो मोमोज फ्रायर में फ्राई करने जा रहे हैं। तो मोमोज फ्राई करते टाइम टेम्परेचर एकदम हाई पे सेट कर देना। यहाँ पर मेरे फ्रायर का टेम्परेचर जो 190 डिग्री सेल्सियस पे मैंने सेट कर दिया और मोमोज को डीप फ्राई करना भी चालू कर दिया। अगर आप कढ़ाई में कर रहे हो ना, तो आप पहले ही ऑयल को कम से कम 5 मिनट तक गर्म करके लेना, उसके बाद उसके अंदर मोमोज डालना, और मोमोज डालने के बाद आपके गैस की फ्लेम है ना वो मीडियम फ्लेम पे कर देना। दोस्तों मोमोज तुरंत फ्राई नहीं होते फ्रोजन वाले। तो क्या होता है, मोमोज जैसे आप फ्रायर में डालोगे या कढ़ाई में डालोगे फ्राई होने के लिए, तो उसके अंदर ऑयल जाएगा। ऑयल जाने के बाद आपको पानी के जैसा, जैसे पानी कड़े में गिरता है ना वैसे आवाज आएगा, तब समझ जाना कि मोमोज आपके अंदर से भी पकना चालू हो गए। तो इस तरह से आपके मोमोज अंदर से भी पकेंगे और बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे, जो सबको पसंद आ जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको इससे पहले फ्रोजन मोमो कैसे फ्राई करते पता था कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो उस दोस्त को जरूर शेयर कर देना जिसको मोमोज तो खाने लेकिन फ्राई बराबर से नहीं हो पाते दोस्त।